नमस्कार दर्शकों, धन की देवी लक्ष्मी जी को खुश करने के लिए माँ की पूजा अर्चना की जाती है। जी हाँ दर्शकों, दिवाली पर भी माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए महीने भर पहले से लोग घरों की साफ सफाई शुरू कर देते हैं। तो दर्शकों, माँ लक्ष्मी अपने भक्तों से प्रसन्न होकर उन्हें धन और वैभव का वरदान देती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिस इंसान से माता लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती, उन्हें धन का अभाव का सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसी मान्यताएं हैं कि जिसमें कहा गया है कि शाम या रात के वक्त इन कामों को करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, इसलिए हमें इन कामों को नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं ये काम कौन से हैं। पहला, ऐसा कहा जाता है कि शाम के वक्त या रात में दूध या दही को किसी को देना नहीं चाहिए। जी हाँ दर्शकों, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शाम के समय आप इन्हें बाहर से खरीद कर घर में तो ला सकते हैं, लेकिन इन्हें घर से बाहर किसी को ना दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरी। जिस तरह सुबह घर में पूजा करने से पहले साफ सफाई करते हैं, उसी प्रकार शाम को भी घर में सूरज के अस्त होने से पहले झाड़ू जरूर लगाएं। घर में शाम को भी साफ सफाई रखें, खासकर मुख्य द्वार पर कभी भी गंदगी ना रहने दें। तीसरी बात, रात को रसोई घर में साफ सफाई करने के बाद ही आपको सोना चाहिए। रात को घर में जूठे बर्तन बिल्कुल भी नहीं छोड़ने चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि किचन पूरी तरह से साफ रहे। माँ लक्ष्मी की कृपा से ही हमें अन्न की भी प्राप्ति होगी, इसलिए कभी भी अन्न का आप अनादर ना करें। इसके साथ ही कभी भी खाने को छोड़ना नहीं चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, जिससे जीवन में धन वैभव में कमी आने लगती है। अब बात करते हैं पांचवी बात की। इसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि जिस घर में महिलाओं का अपमान होता, वहाँ लक्ष्मी जी वास नहीं करती, इसलिए महिलाओं का हमेशा आदर करना चाहिए। इसके अलावा घर में शाम के समय मीठा बनाकर माँ लक्ष्मी जी को भोग लगाना चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो दर्शकों, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको ये उपाय करने हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से रजत की रिपोर्ट।